हमीरपुर डिग्री कॉलेज परिसर नशे की गिरफ्त में आ रहा है और गुंडागर्दी के साथ साथ अब नशे में भी छात्र आदि हो रहे हैं। ताजा मामले में डिग्री कॉलेज में गत दिवस ही कॉलेज कैंटीन परिसर में नशे में धुत छात्र ने ऐसी हरकतें की कि सभी दंग रह गए। बीएससी द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाला छात्र ने सुबह के समय ही नशा करके कॉलेज कैंटीन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और कैंटीन में गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें कर रहे थे, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया और सारी घटना की जानकारी प्रिंसिपल को दी गई, जिस पर प्रिंसिपल ने मौके पर जाकर दोनों छात्रों को सस्पेंड किया है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल ने बताया कि कैंटीन में नशे में धुत छात्र द्वारा छात्रा के साथ अश्लील हरकतें किए जाने के बाद छात्र और छात्रा दोनों को ही कॉलेज से सस्पेंड किया गया है और मामला पुलिस के पास सौंपा है। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई तक दोनों छात्रों को अपने परिजनों को कॉलेज बुलाने के लिए कहा गया है ताकि मामले को सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉलेज में मारपीट मामले में भी 6 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। गौरतलब है कि हमीरपुर डिग्री कॉलेज में गुंडागर्दी के मामले बढ़ रहे हैं तो युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन की सख्ती के चलते अब छात्रों में भी हड़कंप मच रहा है। तो ये हमने पहले चरण में जो निष्कासन हुआ था 6 बच्चों का हुआ था, इसमें तो इनकी हमें निष्कासन 30 तारीख तक था और 30 तारीख तक अपने पेरेंट्स विभाग के साथ इनको बुलाया था और ये हमने इनको सूचना दे दी है कि 30 तक नहीं अगर अपने पेरेंट्स को लाएंगे तो अगली कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पुनः निष्कासन हो सकता है या फिर अगली कोई और कार्रवाई हो सकती है। इन 6 में से एक छात्र ने अपनी माँ को बैठकर उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा और सारी स्थिति को देखते हुए कमेटी एंड रिव्यू कमेटी और डिसिप्लिन कमेटी ने फैसला लिया कि उनका निष्कासन की बहाली हुई है पिछले दिन। बाकी जो 2 और स्टूडेंट थे, एक लड़का भी इसके बाद नशे की हालत में थे, उनको तत्काल उनका निष्कासन हुआ है। उनमें से अभी तक कोई हमारे पास नहीं आए हैं, उनका निष्कासन भी 30 तारीख तक है। बाकी जो 2 और स्टूडेंट थे, एक लड़का भी इसके बाद नशे की हालत में थे, उनको तत्काल उनका निष्कासन हुआ है। उनमें से अभी तक कोई हमारे पास नहीं आए हैं, उनका निष्कासन भी 30 तारीख तक है। वो कार्रवाई तुरंत कर ली थी हमने, तुरंत प्रभाव से उनको निष्कासन किया था। वो जो लड़का था वो नशे में था, उनसे 2 में से एक वो नशे में था, तो फिर हमने वो पुलिस को हैंड ओवर किया।